तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लास्ट लेक्चर में यूनिट और मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे। इस लेक्चर में हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे कि यूनिट का डेफिनेशन और ये मेजरमेंट का और उसका डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कन्वर्जन कैसे होता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है या स्टैंडर्ड अमाउंट है जो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को दिया गया है। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब क्यों ऐसा किया गया है, क्यों उसको स्टैंडर्ड अमाउंट दिया गया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को? ताकि अगर किसी के पास उससे ज्यादा है तो उसको कंपेयर कर सके, फॉर कंपेरिजन पर्पज, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। उस अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि वो उस स्टैंडर्ड वैल्यू का 2 टाइम्स है कि 3 टाइम्स है। तो जैसे किसी के पास मास, कुछ अमाउंट है मास का, तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया है मास के लिए 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितने को बोलना है ये डिफाइन करके रखा हुआ है पहले से। तो अगर किसी के पास उसका 5 टाइम्स ज्यादा है मास, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास 5 किलोग्राम मास है, 5 किलोग्राम मास का एक बॉडी है मेरे पास। तो ये 5 किलोग्राम, या किसी के पास इसका 10 टाइम्स है तो बोलेगा कि 10 किलोग्राम मेरे पास है। तो अगर ये नहीं होता, अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बनाया जाता 1 किलोग्राम, तो किसी के पास कुछ इतना अमाउंट होता तो उसको वो आखिर क्या बोलता? वो अलग अलग लोग अलग बोल देते। कोई बोल देता कि ये मेरे पास 5 मीटर है, कोई बोल देता कि 5 सेकेंड है, और 5 ही क्या, कोई उसको 10 भी बोल सकता था, कोई इसको 15 भी बोल सकता था, क्योंकि पता ही नहीं था कि किससे हमको कंपेयर करना है कि नहीं। जैसे हम लोग हाइट बोलते हैं कि उसका हाइट मान लेते हैं कि 2 मीटर है, किसी का हाइट कोई बोल रहा है कि वो 2 मीटर हाइट है उसका, तो 2 मीटर कब बोलेंगे? जब 1 मीटर के बारे में हमको पता रहेगा कि 1 मीटर कितना होता है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि 2 मीटर है उसका, मतलब 2 टाइम्स है उसका, राइट? तो इसके लिए मेजरमेंट के लिए क्या बनाया गया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया ताकि हम उसे कंपेयर करके और बाकी के मेजरमेंट को आसानी से बता सकें कि कितना है वो। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसमें, अच्छा इसको यूनिट ही क्यों बोला गया, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड बनाया गया उसमें 1 को इंक्लूड किया गया, मतलब मास के लिए 1 kg को ही बनाकर डिफाइन करके रखा हुआ है, 1 मीटर नहीं बना, 2 kg को नहीं रखा गया है, या 3 kg नहीं वहां पे रखा हुआ है जो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर बनाया है, वो 1 को ही रखा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, यूनिट। तो ये यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड अमाउंट है, और वो भी 1 kg है, 1 मीटर है, 1 सेकेंड है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में वो सारे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल। और क्वांटिटी मतलब विच कैन बी मेजर्ड। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उन चीज़ों को अगर हम मेजर कर पाएंगे तो उनका नाम क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या एक स्टैंडर्ड अमाउंट डिसाइडेड है कि 1 कितना बोलना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हम लोग जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम, बहुत कुछ ऐसा चीज है जो हम मेजर करते हैं डे टू डे लाइफ में। उन सारे क्वांटिटी को जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका 1 कितना होगा, 1 kg कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड कितना होगा, 1 एम्पियर कितना होगा, सब कुछ डिफाइन करके रखा हुआ है, और उसी को बोला गया है कि यूनिट है ये सब। तो मास के लिए क्या यूनिट बनाया गया है, 1 किलोग्राम, लेंथ के लिए 1 मीटर, टाइम के लिए 1 सेकेंड, इलेक्ट्रिक करेंट के लिए 1 एम्पियर, मतलब 1 1 ही सब में डिफाइन करके रखा हुआ है। टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट समझ गए क्या है, कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करके रखा गया है और उसी स्टैंडर्ड को नाम दिया गया है कि वो यूनिट वैल्यू है। अब आपके पास जो वैल्यू है यूनिट वैल्यू का 3 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, इस यूनिट वैल्यू का आधा हो सकता है ऐसे। तो यूनिट वैल्यू मतलब 1 वैल्यू उसका कितना होगा वो डिफाइन करके रखा हुआ है। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है। इसके बाद एक फंडामेंटल
और एक डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी भी होता है, और उसके एसोसिएटेड जो यूनिट्स होंगे उनका नाम होगा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी से एसोसिएटेड जो यूनिट्स होंगे उनका नाम क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट्स। और जो डिराइव क्वांटिटी से एसोसिएटेड होंगे यूनिट उनका नाम होगा डिराइव यूनिट्स। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स के यूनिट्स को बोलेंगे और डिराइव किसको बोलेंगे? तो ऐसे यूनिट विच कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर, मतलब ऐसा कुछ सेट हम तैयार करेंगे जिसको एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे मास, इसमें 7 आएंगे, मास होता है, और क्या होता है बताइए? फंडामेंटल टाइम होता है, मास, टाइम, लेंथ। मतलब अगर इन तीनों की हम बात करें, मास, टाइम और लेंथ की सिर्फ, ऐसे और 4 यहाँ लिखेंगे हम, तो आप मास को टाइम में रिलेट नहीं कर सकते हैं, मास को टाइम के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं स्पीड, स्पीड कितना, तो फंडामेंटल, इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सा होंगे? फंडामेंटल जिनको हम एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के टर्म में। तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर, मतलब ये सब फंडामेंटल है। यानी कि आप मास को कुछ भी कर लीजिए, मास और लेंथ को आपस में प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐसे कुछ भी करके टाइम नहीं लाया जा सकता है। मास इनटू लेंथ भी टाइम नहीं होगा, मास अपॉन लेंथ भी टाइम नहीं होगा। तो ये सब फंडामेंटल है, यानी इन सारे को आप बाकी के, जैसे इलेक्ट्रिक करंट मुझे बताना है तो उसको टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टाइम, लेंथ, इन सब का कुछ भी कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कर लेंगे, उससे इलेक्ट्रिक करेंट नहीं बनेगा उससे। तो ऐसे 7 क्वांटिटीज ही हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी को दूसरे के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो इनको क्या बोला गया? फंडामेंटल यूनिट्स बोला गया। अब इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज होंगे उनको क्या बोला जाएगा? डिराइव्ड बोला जाएगा या तो सप्लीमेंट्री बोला जाएगा। मतलब फंडामेंटल के अलावा खाली डिराइव्ड ही नहीं होता है, फंडामेंटल के बाद एक डिराइव्ड होता है और एक सप्लीमेंट्री भी रखा गया। तो डिराइव्ड में कौन सा क्वांटिटी रखेंगे? सो दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड, नाम ही है इसका डिराइव्ड क्वांटिटी, यहाँ भी डिराइव्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, मतलब फंडामेंटल का यूज करके हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको स्पीड बोलूँ, स्पीड क्या है? स्पीड पहले से आप पढ़े होंगे, तो वो हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को फंडामेंटल में हमने नहीं रखा क्योंकि ये इसी 7 में से किसी तो 2 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे आ जाता है। किसको आता है? ये लेंथ और टाइम को करने से आ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस भी तो एक लेंथ ही है, उसको मीटर में ही हम लोग मेजर करेंगे कि कितना मीटर डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाएगा, मतलब ये लेंथ जैसा है, तो स्पीड का जो यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो देखिए एक मीटर इसमें है और एक सेकेंड है, तो फंडामेंटल को डिवाइड करने से आ जा रहा है कि नहीं ये स्पीड? तो स्पीड क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, और मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। और भी कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम होता है क्या? तो स्पीड के अलावे फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स, और फोर्स से पहले क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया। और वर्क भी डिराइव हुआ क्या? ये फंडामेंटल हो गया, वर्क भी डिराइव हो गया, क्योंकि जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इन वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी हैज चेंज्ड। तो चेंज इन वेलोसिटी तो का यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, चेंज का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। जैसे आपके पास 100 रुपीज है और आप मार्केट गए और उसमें 50 रुपीज आप खत्म कर दिए, तो आपके पास जो बचा वो 100 माइनस 50, 50, अब उसका यूनिट रुपया ही रहा, 50 रुपया ही रहा आपके पास। वैसे ही अगर 5 kg आपके घर में अगर आलू रखा हुआ है और उसमें से 3 kg धीरे धीरे आप कंज्यूम कर लिए हैं आलू को, 3 kg सब्जी वब्जी बनाकर खत्म हो गया, तो जो बचा हुआ है 2 उसका यूनिट kg ही रहता है कि नहीं? मतलब 3 kg में से 5 kg में से 3 kg सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 kg
में से 3 केजी सब्ट्रैक्ट किए, तो जो यूनिट बनेगा वो क्या केजी ही रहता है, यानी सब्ट्रैक्शन में ये यूनिट नहीं कैंसिल होता है, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, लेकिन ये केजी माइनस केजी यहाँ यूनिटलेस नहीं हो जाएगा, केजी ही रहता है। तो वैसे ही जब मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक चेंज इन टाइम है, टाइम इंटरवल, उसका यूनिट सेकेंड ही रहेगा। तो एक ये सेकेंड था और एक पहले से यहाँ सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी एक्सेलरेशन कैसे मुझे मिल रहा है, तो उसमें लेंथ वाला एक रखना पड़ रहा है ये, और इसके स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ रहा है, टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ रहा है, यानी कि हम एक्सेलरेशन को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फंडामेंटल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके और एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल तो नहीं हुआ, वो डिराइव क्वांटिटी हो गया। वैसे ही फोर्स, वर्क, ये सारे क्या होंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होंगे, राइट। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और बाकी के जो क्वांटिटीज हैं वो क्या है, जो हम लोग मेजर करते हैं वो डिराइव्ड हैं और या तो सप्लीमेंट्री हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री, इसको डिराइव यूनिट नहीं बोलकर सप्लीमेंट्री यूनिट में क्यों रखा गया है इन दोनों को, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को, क्योंकि प्लेन एंगल का मेजर करने का फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो सर्कल का आर्क अगर देखें तो ये लेंथ जैसा ही है, ये मीटर में मुझे लिखना पड़ेगा, और वैसे ही इस सर्कल का रेडियस भी तो मीटर में ही मेजर होगा, कितने मीटर का रेडियस है, तो आर्क अपॉन रेडियस करेंगे तो ये मीटर, ये भी मीटर हो गया, तो ये यूनिट लेस आ जाएगा, इसका कुछ यूनिट आ नहीं रहा है, मतलब फंडामेंटल से ये इंडिपेंडेंट आ जा रहा है, फंडामेंटल जो यूनिट है उससे क्या है जो इंडिपेंडेंट आ जा रहा है, फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि यूनिट फंडामेंटल वाला यूनिट कैंसिल हो जाए और फिर भी इससे एसोसिएटेड एक यूनिट दे दिया गया है, क्योंकि ये बहुत हम लोग यूज करते हैं एंगल को, तो एंगल को एक अलग से यूनिट दे दिया गया है ऐसा यूनिट में रेडियन, लेकिन ये फंडामेंटल जो 7 पढ़े थे उसमें नहीं था, ये अलग से दिया गया है, फंडामेंटल से ये कैंसिल हो जा रहा था फंडामेंटल लिखने पे। तो ऐसे सिचुएशन में जो क्वांटिटी पढ़ेंगे जिनका वो 7 फंडामेंटल वाला तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक यूनिट असाइन होगा उसके साथ, तो उस क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और उससे एसोसिएटेड यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। तो प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया और रेडियन उसका सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। तो जो बुक है एनसीईआरटी या और भी बुक है उसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स दिए हुए हैं या 2 ही क्वांटिटी दिए हुए हैं, एक कौन सा है, प्लेन एंगल दिया है। तो प्लेन एंगल का ये तो पता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क और ये रेडियस डिवाइड करने से आ जाता है, तो ये भी मीटर कैंसिल हो जा रहा है, और फिर भी एंगल के लिए रेडियन हम लोग यूज करते हैं, डिग्री भी यूज करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, सप्लीमेंट्री दिया गया। अब एक और सॉलिड एंगल होता है, जैसे आप आइसक्रीम खाते होंगे या कोन होता है ऐसे, तो उस कोन में यहाँ सेंटर पे ये लाइन बना है और ये सर्कल जैसा एंगल बनेगा, मतलब ऐसे एक कोन में बना दूं इस तरह से, ऐसे एक कोन है मान लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल डिफाइन करने के लिए आएगा कि एंगल कैसा बन रहा है यहाँ पे, तो वो एक लाइन, इन दोनों में लाइन बन रहा है, इन दोनों में लाइन बन रहा है, लेकिन ये पूरा एंगल कितना है, तो ये एक सर्कल जैसा ऐसे बनेगा। तो इस तरह के 3D में जब एंगल बनता है तो उसको बोला जाता है कि वो सॉलिड एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो एक लाइन जैसा बन रहा है, ये एक प्लेन में है, जबकि ये 3D में है ऐसे, और यहाँ एक सर्कल जैसा बन रहा है, तो इस एंगल को इससे थोड़ा तो अलग है ये, इसलिए इसको क्या बोला गया, सॉलिड एंगल बोला गया, और इसका सिंबल ये ओमेगा है। अब इस सिंबल को ओम बोलते हैं जब यूनिट यूज करते हैं हम, और जब एज ए सिंबल यूज करते हैं क्वांटिटी का तो ओम नहीं बोलकर ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस, तो ओमेगा मतलब आप समझिए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो यहाँ जो आर्क था उसके जगह पर ये एरिया लिखना है, ये वाला एरिया कितना एरिया है, अगर पूरा फुटबॉल अगर पूरा ले लेंगे स्फीयर, तो ये एरिया कितना हो जाएगा,
अगर ये कोन के जगह पर हम पूरा स्फीयर एक ले लें ऐसे, तो पूरा स्फीयर का एरिया मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा ऐड होकर और ये एरिया पता है कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि तो पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। वैसे ही अगर ये पूरा सर्कल ले लें हम ऐसे, तो ये आर्क के जगह पर 2 पाई r आ जाता है, 2 पाई r, पूरा ऐसे आर्क लेंथ कितना होता है, 2 पाई r होता है। वैसे ही ये पूरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 पाई r स्क्वायर, ये आर्क मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 पाई r हो सकता है। तो मैक्सिमम थीटा, थीटा मतलब एक प्लेन में कितना हो सकता है, एक थीटा, तो इसको मैं आर्क को लिख दूंगा 2 पाई r, और उसके रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, तो एक सर्कल पूरा, अगर मैं इसको सर्कल कंप्लीट कर लूं, तो वो पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। अब वैसे ही अगर इस कोन को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, तो ये एक स्फीयर बनेगा क्या, वाटरमेलन में ऐसे एक एक कोन बनता है, इधर भी एक कोन बन सकता है, और उस पूरे कोन को हम एक्सपेंड करें तो क्या एक स्फीयर तैयार होगा मेरा, और उस स्फीयर का ये एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और उसको आर स्क्वायर से डिवाइड किए। अब ये आर स्क्वायर से क्यों डिवाइड किए थे, इसको आर से डिवाइड किए थे क्योंकि मुझे इसको सप्लीमेंट्री रखा गया है, तो इसका यूनिट फंडामेंटल वाला तो कैंसिल हो जाना चाहिए, खाली 4 पाई आना चाहिए, तो 4 पाई के साथ ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और अलग से एक यूनिट दे दिया गया है, इससे रेडियन SR। तो एक स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, एक स्फीयर अपने सेंटर पे सॉलिड एंगल बनाता है कि प्लेन एंगल बनाता है, तो उसका आंसर है कि वो सॉलिड एंगल बनाता है। और एक सर्कल अपने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाता है, प्लेन एंगल कि सॉलिड एंगल, तो वो सर्कल प्लेन एंगल बनाता है। तो एक कंप्लीट सर्कल अपने सेंटर पे कितना प्लेन एंगल बनाता है, तो उसका आंसर है 2 पाई। वैसे ही एक स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो उसका आंसर है 4 पाई रेडियन, इस तरह से आंसर करना है। लेकिन इन दोनों के अलावा और भी सप्लीमेंट्री यूनिट या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो सकते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा फिजिक्स में कि वो 7 किसी क्वांटिटी को लिखेंगे, तो 7 क्वांटिटी जो है वो तो कैंसिल हो गया है, उसके टर्म में यूनिट नहीं आ रहा है, फिर भी उससे एसोसिएटेड एक यूनिट दिया गया है, तो उस क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री बोल देंगे। जैसे लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड में भी ऐसा ही होता है कि साउंड का लाउडनेस अगर देखेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है, इंटेंसिटी कितना साउंड का है अपॉन मिनिमम कितना ऑडिबल इंटेंसिटी का साउंड होना चाहिए, तो वो कैंसिल हो जाता है, फिर भी इससे एसोसिएटेड एक यूनिट डेसीबल दिया गया है। तो यानी डेसीबल वो 7 फंडामेंटल के टर्म में यूनिट नहीं आ रहा है, और ये अलग से एक यूनिट दे दिया गया है, इसीलिए इसका नाम भी आप बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, डेसिबल भी। तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल में किसको रखना है मुझे, डिराइव में किसको रखना है, और सप्लीमेंट्री में किसको रखना है। सप्लीमेंट्री में उसको रखना है जो 7 फंडामेंटल के टर्म में तो नहीं आ रहा है, उसका यूनिट कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी एक अलग से असाइन किया हुआ है यूनिट उसके लिए, साइंटिस्ट ने ऐसे असाइन करके रखा है, तो उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट में रखेंगे। और बाकी के जो क्वांटिटी हैं, या तो फंडामेंटल हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं।